तुम्ही ते महादेव इशूक लागून आता कॉल केल्लो आमकां. हय. एक्चुली वॉट यू टू से अबाउट दीस थिंग्स? पळय, म्हादय इशू हो गेली आतां 15-20 वर्सां जाली हो इशू चालू आसा. हो इशू एक्चुली आमच्या गोंयच्या पॉलिटिशनांनी जेन्ना स्टार्ट जाल्लो न्हू कितें त्या टायमाचें जें सरकार आसलेलें तेन्नाच हो इशू सॉल्व जावपाक जाय आसलेलो. आमच्या ह्या पॉलिटिशनांनी आमच्या घाणेरडे राजकारण्यांनी आयज हो म्हादय इशू आसा हो पॉलिटिकल इशू करून सोडलेलो आसा. आनी जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता नाल्यार आनी कसलें कितें आसता त्या टायमाचेर हो इशू हायप करता. आतां सेंटरान तेंकां तेंचो जो DPR आसा तो मान्य करून तेंकां फुडें काम करपाक आतां परमिशन दिलां. आतां हें परमिशन खंयच्या आदाराचेर दिलां? केस सुप्रीम कोर्टान आसा आनी आज जेन्ना केस कोर्टान आसा त्या टायमाचेर ही असली डिसिजनां कशीं येवंक शकता कितें हेचेर सरकारान तेंकां जाप विचारपाची गरज आसलेली. पूण आमच्या सरकारान जे लोक बसल्यात कितें आमचे आयज सरकार चलयतात तेंकां भितून नॉलेज नासल्या कारणान आयज ही परिस्थिती. आतां आमी म्हाका एक सांग, आतां इतलो तेप हे न्हिदलेले जे सरकारान बसल्यात ते सगळे पॉलिटिशनांक म्हणटा आनी जे ऑपोजिशनान सुद्दां आयज जे उलयतात न्हू तेंच्यांनी खंय इशू घेतलेलो हो पयलीं कितें? हांव जाल्यार पळयता राजेंद्र केरकर जो आसा न्हू हो त्या इशूचेर सारको झगडटालो आनी तेचे जे पॉयंट्स आसा तेची जी स्टडी आसा न्हू ती स्टडी घेवन हें सरकार फुडें गेल्लेलें. आनी आयज म्हाका सांग, आतां आमचो नॉर्थ गोवाचो MP बाब श्रीपाद नायक तेणी पयर स्टेटमेंट केलें की आपूण जर सपोज हो जो इशू सॉल्व जायना आनी जर सेंट्रल गोवर्मेंट आमकां जर सपोर्ट करिना जाल्यार आपूण रिजायन सुद्दां जावंक शकता म्हणून. कितें आमी कितें म्हणटा, तूं रिजायन जावपाचें आयज उलयता, आतां तूं पांच फावटी कितें तरी निवडून येयला. सो हेच्या पयलीं कित्याक ही स्टेटमेंटां येवंक ना? तुका कितें स्टडी आसा तेचेर? कितें हेचेर तूं पयलीं कित्याक सरकाराक विचारूंक ना की बाबा आमच्या गोंयच्या सरकाराक की बाबा रे म्हादयीचेर आमी कितें केलां काय म्हणून तुमचो लक्ष कित्याक नासलेलो? म्हादयी ही लायफलायन आमची. म्हादयीचें उदक ना सपोज न्हू जाल्यार सबंद गोंयान त्रास जातलो, दुधसागराकूय इफेक्ट जातलो. हांव परत परत म्हणत येयलां, हांवें राजेंद्र केळकराचे एक फंक्शन आसलें तेणें, त्या फंक्शनान हांवें तेचें थोडें भाशण आयकलें आनी तेतून थोडे पॉयंट्स मांडलेले तेणें की म्हादयी जर आमच्या गोंयान ना सपोज न्हू आमकां जर तें उदक येयना जाल्यार कोणा कोणाक इफेक्ट जातलो. तो तेचें म्हणणें आसा कितें, हांव कितें व्हडलो तत्वज्ञानी न्हू पूण हांव जे कोण एक्टिविस्ट उलयतात पॉलिटिशन तेचेर आमचो लक्ष आसता कितें आनी थोडी बारीक सुरीक स्टडी आमीय करता. आतां म्हाका एक सांग, राजेंद्र केरकराचें म्हणणें आसा कितें, सॅलिनिटी वाडटली उदकाची. खरेंच आयज मांडवीक सुद्दां म्हादयीचें कनेक्टिविटी आसा, मागीर तेच्या उपरांत वयर आतां हे फोण्या बिण्या बीन हे गांव आसा न्हू हांकां म्हादयीचें उदक येता, साकळे बिकळे बीन आसा तेंकां म्हादयीचें उदक येता कितें आनी हे जे न्हंयी व्हांवतात न्हू आनी हेवटेनसून जे दर्यांसून जें उदक वयता हेची सॅलिनिटी मेनटेन करपाचें हें आमचें सायें उदक करता. आयज बांयी सुकतले फाल्यां सकाळीं, बांयींचेर परिणाम जातलो, जंगलांत जीं झाडां आसा न्हू तेंकां जाय तें उदीक मेळचें ना. आमी मनीस आमी जे गोंयकार आसात न्हू ते डिपेंड ना, आमची जनवरां सुद्दां तेचेर डिपेंड आसा न्हू. म्हादयी वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा थंयसर, म्हादयी वायल्ड लायफ सेंच्युरीन तेंकां उदकाक त्रास जातलो, जनवरां गांवांनी देंवतलीं जनवरां तीं उदका खातीर. सो ही परिस्थिती ते पशु पक्षी आसा ते उदीक पितात कितें. सो हे सगळें हें करून सरकारान आमचे इनिशिएटीव घेवपाक जाय आसलेलो की बाबा रे स्ट्री आनी आयज जेन्ना तेंच्यांनी तेंकां तेंचो DPR पास केला न्हू तेन्ना तुमी आजून मेरेन न्हिदोन आहा रे, फक्त गजालीत करतात, फक्त गजाली मिटींगे सोपाना, रातोरात मिटींग जावपाक जाय आसलेली मरे. आयज जर आमचो CM सारको स्ट्रिक्ट आसलेलो आनी जर सारको तेका आमचे म्हादयीचे पडलेले आसलेले तो म्हणटा म्हादयी आपली आवय म्हणून, ओके जर आवयची जर इतली काळजी आसा न्हू की आवयक पयलीं वाचोवपाक जाय बाकीचे सगळें मागीर सायडीक ठेवपाक जाय. आयज तुमचे कडेन स्टडीच ना, तुमचे कडेन ना मरे स्टडी जाल्यार जे कोण एक्टिविस्ट आसा जेंच्यांनी तेचे स्टडी केले कितें राजेंद्र केरकर हो त्या कणकुंबी गांवान बिवान बीन वचून तेचे कळसा भंडुरा प्रकल्प फुड्यान रावन तेणी सगळी ती स्टडी केलेली आसा थंयसर तो परत परत सांगता तुमकां ज्ञान ना जाल्यार तेचे कडेन वचा आनी विचारा इफेक्ट कितें ते कितें पॉझिटीव सायड आनी नॅगेटीव सायड तेचे कडल्यान जाणून घेया. आयज तुमी जे पॉलिटिशन आसा ते फक्त मिटींगे घेतले, तुमकां आयज जे तुमी मिटींगे घेता न्हू तितून आमकां जाल्यार अशें दिसता कितें सांग की तुमकां कसलेंच पडून गेलेलें ना म्हणून, तुमी फक्त टायमपास करता कशें दिसता, तुमी सिरियसूच ना. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक मिनिस्टरांक तुमकां आनी जे MLAs आसात न्हू तुमकां चॅलेंज करता, ह्या आझाद मैदानाचेर तुमी येया. आमी एक्टिविस्ट जे आसात न्हू ते एका वाटेन बसतात, तुमी एका वाटेन बसा, आमी तुमकां प्रश्न विचारता आनी तुमी तेची उतरां दिया. पळोवया तुमी कितली तुमची स्टडी आसा ती तेचेर कितें. आमी हांगासर बसता आझाद मैदान घालया खुर्चे, तुमचे कितले 40 खुर्चे मरे आनी 3 खासदार मरे 43 खुर्चे घालया आनी ऑपोजीट मरे आमचे फक्त 10 एक्टिविस्ट उबे बसतले, ते तुमकां प्रश्न विचारतले, तुमी उत्तर दिया. तुमकां कापासताद आसा जाल्यार कापासताद आसा तुमकां, फकाणां करूंक उठले, फकाणां करपाक उठले. आयज परिस्थिती खंय हाडून सोडली रे, आनी आमचो लोक सुद्दां आयज ओगी आसा, लोक कित्याक उलयना रे? तुमचे नळाक उदक जेन्ना बंद जातले तेन्ना तुमी उलयतले? आं, एक पयलीं एक आमदार आसलो न्हू तो हेजेर इशू करतालो न्हू, एलेक्स रेजिनाल्डोन बीन केल्लो एकदां इशू,
तो आता सध्या दिसना हिंगा ते कसे आता करतले एलेक्स रेजिनाल्ड बिजिनाल्ड बीन एलेक्स रेजिनाल्ड आता रुलिंगान आहा न्हू रे ते कशें आहा ना मरे आमची गोंयची पॉलिटिक्स इतली घाणेरडी जाल्लेली आहा बुरशी जाल्लेली आहा की आपूण जेन्ना ऑपोजिशन आसता न्हू तेन्ना हे इशू उलोवपाचे आपूण जेन्ना रुलिंगान गेले न्हू तेन्ना मागीर ते कोण कांय उलयना मागीर तेंकां कोळसो दिसना मागीर तेंकां कसिनो दिसना मागीर तेंकां डिफॉरेस्टेशन दिसना मागीर तेंकां सीआरझेडान एनक्रोचमेंट दिसना तेंकां मागीर कांयच दिसना मागीर तेंच्या दोळ्यांचेर मरे ती पट्टी बांदतात ते आनी वग्गी रावन पळयता कितें आनी आयज ज्या पद्दतीन सेंटर आमच्या वांगडा वागोंक लागला न्हू गोंय काबार करपाक उठला मरे सेंटर आयज जर सपोज ह्या टायमाचेर आमकां ते म्हादयीचेर कॉपरेट करिना न्हू देट मिन्स सेंटर आमचें गोंय काबार करपाक उठला काबार करूंक उठला आनी आयज तुका खरें सांगू म्हाका जाल्यार हे एज अ एक्टिविस्ट कितें दिसता जाणा आमी मरे 2 सिटां एमपी आनी कर्नाटका 30 सिटां आहात हेचेर राजकारण चालू आहा ती 30 सिटांचे राजकारण तेंकां थंय फायदो आहा म्हणून आयज कर्नाटकाक तेंच्यांनी सपोर्ट केला आनी गोंयांक तेंच्यांनी सपोर्ट करूंक ना कळ्ळें तुका पूण आतां हें जें डबल इंजीन सरकार म्हणटा न्हू ह्या डबल इंजीन सरकारान आमकां गोंयांक सपोर्ट करूंक ना कर्नाटकाकडे 30 सिटां आहात म्हणून तें जें एक इंजीन आहा न्हू तें कर्नाटकान आहा गोंयान जें चल्लां न्हू तें फक्त सिंगल इंजीन डबल इंजीन थंय चालू आहा कर्नाटकान कितें आनी तें कित्याक चालू आहा तर थंयसर तेंकां मेजॉरिटी ते सिट्स मेळपाक जाय म्हणून गोंयच्या सिटांचो तेंकां वालर ना म्हणून आयज गोंया वांगडा हो अन्याय चल्ला कळ्ळें तुका कितें हांव आमचे जे लोकल पॉलिटिशन आहात हेंच्यांनी हेची जाणीव करून घेवपाची 7 जाणांनी ओपोज केलें म्हणून जायना जे 8 जाण गेल्यात न्हू तेंकां जर ह्या आमच्या गोंयची मायभुमीची दया माया आसा न्हू कितें तेंच्यांनी सुद्दां परत येवपाची तयारी करपाक जाय म्हाज्या हिसपान जाल्यार म्हादयी वाचोंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी इनिशिएटिव घेवपाक जावो आयज गोंयकारां वांगडा अक्षरशा पॉलिटिकली विश्वासघात जाल्लो आसा आनी आयज ह्या म्हादयीच्या डिसिजनाचेर जाल्यार सारकें प्रूव जाता की हो विश्वासघात ह्या राजकारण्यांनी केला म्हणून देव बरें करूं बांय दोतर मारली बांयत उदक पिपलाय चड उदक मेळटा म्हणजे पिवपा जायना हार्ड वॉटर मेळटा ही परिस्थिती आसून नॉर्थ गोवा तुमचे कडेन उदक मेळटा आनी नॅचरल फ्लो जो कर्नाटकांतल्यान सारको गोंया येता तो आमगे जो मनोहर पर्रीकरान केल्लो तो तेचेर देवान गेलो आहा आनी हो कोण आनी आमी कोण बंद करपाक ही लायफ लायन ही उदक येतली युनेस्को सायट बट सायडा फॉर हेरिटेज आमगेली वेस्टर्न गाट्स फुडें आहा तें उदक तितूंतल्यान वयता आनी मनोहर पर्रीकर MOEF-चे एनवायरमेंट क्लियरन्स घेनासतना स्टेटमेंट करपाक कोण काय विचारता दे नॉट टेकन क्लियरन्स आनी मनोहर पर्रीकर उलयता कितें तो म्हणटा जाय तेन्ना आपण MOEF आनी जाय तेन्ना आपण आवयक आपूण विकचो ना म्हणून शेवटी आवयक विकले बी आनी सगळे गोंयकारांचे न्ही घट्टन जाले कशें दिसता ह्या म्हादयीक लागून मनोहर पर्रीकरान कितले तरी आपले काम केल्ले ह्या हेका लागून निर्मला सावंत आसा तसोच राजेंद्र केरकर आसा तेजो सदांच त्या म्हादयीक लागून त्या रानांतल्या लोकांक लागून सदां तेजो लेख आसता ते सगळे पाड घालून पर्यावरणाक लागून इतले व्हडले व्हडले शाणपणां सारकी आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेणे आमचे गोंयचे भिवपाची गरज ना म्हणून आवयक शेवटी विकून काबार केली आनी आनी आतां कांय उरलेले ना शेवटी तुमकां खबर आसा त्या सायडीन कुळागर लोकांचे आसा ते पाड घालून दवरले रानांत ती जनावरां आसा तेंचे सगळ्यांचे पाड घालून दवरले आज जर तेंकां उदक जाय कितें खावपाक जाय तेंकां कितें पिवपाक जाय तर प्रमोद सावंतान आपल्या घरा कडेन एक उदकाची टाकी मारपाची आनी त्या रानांतली जनावरां आसा तेंकां ते पिवपाक येवपाचे ना आनी कुळागरांक बळागरांक कोणाक जर उदक मेळना प्रमोदान टाकी मारून ते उदक सगळे आमच्या कुळागरांनी थंय सोडपाचे अशी लोकांची अपेक्षा आसा आज म्हादयी म्हणजे कितें हे जर तेका खबर ना तेणे अभ्यास करूंक जाय उदक हे आमकां कितले म्हत्वाचे आसा एका डॉक्टराक जर कळना जाल्यार कितें फायदो दोतोर सांगता उदक पिवंक जाय पर्यावरण पोल्युशन जावपाक जायना बरें तुमकां आरोग्य मेळपाक जाय झाडां बिडां लावपाक जाय जाल्यार आज तुवें आमची म्हादयी दिवन आईक काबार केली आई म्हाजी दिवचो ना आईक म्हाज्या विकचो ना आतां तुवें आईक सरळ अक्षरशा तुवें विकून दवरले आनी लोकांक पळय आसा आतां लोकांक चिंतणें पडलां की उदक आमकां येतले ते खंयचे वाटेन पर्यावरणाक लागून सुद्दां जर तुमी पळयशात जाल्यार तेणे सगळ्या वाटेन आतां तो रानां बिनां कापून तो सगळे आपल्याक जाय तशें करतलो महाराष्ट्राक तो गोंयांत हाडूंक पळयता कर्नाटकूय तो गोंयांत हाडूंक पळयता बरी गजाल आसा पूण जी उदकाची वेवस्था आसा त्या उदकाची वेवस्था आमचे कडून
काढून तुम्ही लोकांक दिता हे खरे म्हणजे झाले एकदम बरोबर दिसू ना प्रमोदाक याचो अभ्यासूच ना कशे दिसता म्हाका आनी एक दिसता की मनोहर पर्रीकर ज्या ज्या कामांक लागून फुडारकार घेऊन त्याने हांगा कितें बरे बरे करपाक लागून चिंतला पळय त्या त्या कामांक प्रमोद न्ही फुडें सरून ते काबार करपाचे चिंतता म्हणजे तो दाखोवन दिता आपले अस्तित्व बाकीच्या कोणाचे अस्तित्व ना अशें आमकां दिसून येता. Hello students, welcome to the current affair class, and in this class we will be dealing with a very important water conflict. So Mahadai nadi ka conflict hai, jo dispute hai, uske bare mein discuss karenge. And recently jo tribunals ka approach jo change ho gaya hai with respect to the tackling of the water river water disputes, usme kya kya changes aaye uske bare mein baat karenge. Now sabse pehle hame understand karna hai what is this Mahadai river about. ये महादेवी रिवर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है और किन स्टेट्स का ये कॉन्फ्लिक्ट अभी डेवलप हो गया है. सी व्हेन इट कम्स टू महादेवी रिवर इट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है. तो वेस्टर्न घाट टोटल इसका लेंथ देखे महादेवी रिवर का इट इज़ 111 किलोमीटर्स 111 किलोमीटर का नदी है ये. तो इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो गोवा में पड़ता है एंड गोवा को जो पानी मिलता है पूरे शहर को गोवा को 8-9 नदियाँ जहाँ से पानी मिलता है बट जितनी भी और नदियाँ हैं महादेवी को छोड़ के वो सारा सॉल्टी वाटर है तो कंजम्पशन के लिए वो पानी सही नहीं है. एंड ये सिर्फ एक महादेवी रिवर है जिसका जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है जो फ्रेश वाटर रहता है इसीलिए गोवा को ये लाइफलाइन है गोवा के लिए ये जो महादेवी रिवर है. बट क्योंकि इसका ओरिजिन कर्नाटका से होता है और कर्नाटका में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कर्नाटका के जो सदरन डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर आप धारवाड़ का डिस्ट्रिक्ट देखो और उसके साउथ वाले 3-4 और डिस्ट्रिक्ट्स को देखो तो वहाँ पे उन डिस्ट्रिक्ट्स में फार्मर्स को बेसिकली अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए पानी का अवेलेबिलिटी चाहिए. तो वो बेसिकली क्या चाहते हैं नो व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द कर्नाटका फार्मर्स. कर्नाटका के फार्मर्स का ये डिमांड है कि ये जो महादेवी रिवर है जो वहाँ से आती है वहाँ पर डैम लगा दिए जाएँ एंड वहाँ पे रिजर्वॉयर्स लगा दिए जाएं, वहाँ से कैनाल्स निकाल दी जाएं, ताकि फार्मर्स को इसका बेनिफिट हो जाए जो भी कर्नाटका का धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट और आसपास का डिस्ट्रिक्ट्स है. बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है 1980 से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है गोवा के साथ. एंड इस नदी का छोटा सा हिस्सा महाराष्ट्र से भी बहता है तो महाराष्ट्र का भी डिमांड है कि कुछ ना कुछ पानी उसको भी इस नदी से मिलना चाहिए. देखिए जो पानी के मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए हमारे संविधान में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 262. आर्टिकल नंबर 262 के अंडर हमने एक लॉ बनाया हुआ है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट एक्ट. इस एक्ट के अंडर क्या करता है पार्लियामेंट ठीक है ना इट एक्चुअली क्रिएट्स ट्रिब्यूनल्स. तो ये ट्रिब्यूनल्स क्रिएट करता है और ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि पानी को किस तरह से अपोर्शन करना है. तो अपोर्शनेशन ऑफ वाटर इज डिसाइडेड बेसिकली बाय द ट्रिब्यूनल्स. देखिए ये जो महादेवी रिवर है इसको मंडवी बोलते हैं गोवा में इसके लिए ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया 2010 में. अभी इसका वर्डिक्ट आया 2018 में. तो जो ये वर्डिक्ट आया इसमें बहुत एक नई चीज़ सामने निकल के आई है. देखिए जो पुराने हमारे पास ट्रिब्यूनल्स रहे हैं जैसे रावी ब्यास का ट्रिब्यूनल रहा है कावेरी का ट्रिब्यूनल रहा है अभी महानदी का सेटअप करने जा रहे हैं हम इन सारे ट्रिब्यूनल्स का जो जजमेंट रहा है उसमें सिर्फ वाटर को ऊपर वाली लेयर तक देखा गया है. देखिए पानी ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ सरफेस के ऊपर ही है पानी हमारे पास सरफेस के नीचे भी पानी है. तो अभी जो वर्डिक्ट्स आ रहे हैं पानी में उनमें ट्रिब्यूनल्स क्या कर रहे हैं दे टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी. अभी वो पानी का पूरा शेयर सरफेस शेयर को नहीं देख रहे हैं हालांकि ग्राउंड शेयर को भी देखना भी उन्होंने शुरू कर दिया है. एंड ग्राउंड शेयर को देख के वो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वो वाटर को डिवाइड कर रहे हैं. दिस सेम प्रिंसिपल वाज आल्सो फॉलोड विद रिस्पेक्ट टू कावेरी. कावेरी को भी यही फॉलो किया एंड इसी की वजह से जो बेंगलोर का रीजन है बेंगलोर के रीजन को पानी कावेरी से देने का इसीलिए ट्रिब्यूनल ने वर्डिक्ट पास किया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. तो नया तरह का प्रिंसिपल अब हमारे सामने आ गया है. देखिए पानी का हम पानी को कभी भी होलिस्टिकली ट्रीट नहीं करते हैं. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो हमारे पास इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पानी को डील करती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सरफेस वाटर के लिए सेंटर वाटर कमीशन ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ऊपर के पानी को डील करता है
डैम्स में कितना पानी है, नदियों में कितना पानी है, बट व्हेन इट कम्स टू द अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के लिए एक अलग से हमारे पास बॉडी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। एंड एक कमीशन बिठाया था गवर्नमेंट ने, मिहिर शाह कमीशन। अभी मिहिर शाह कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि जिस तरह से हम पानी को डील कर रहे हैं पार्शियल वे में, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि उससे हमारा प्लानिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो पानी को एज अ होलिस्टिक यूनिट हमें ट्रीट करना पड़ेगा, हमें सरफेस वाटर को भी देखना पड़ेगा और हमें ग्राउंड वाटर को भी देखना पड़ेगा, तभी हम इसको अच्छी तरह से अपोर्शनेट कर पाएंगे। सो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। महादेवी के कॉन्फ्लिक्ट में ये हमें सामने आया है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।